प्रेगनेंसी के सातवें महीने में बहुत ही तेजी से दिखने लगते हैं यह तीन लक्षण। अगर आपको प्रेगनेंसी के सातवां महीना चल रहा है अगर और यह तीन लक्षण आपको बहुत ही तेजी से दिखने को मिल रहा है तो यह एक बहुत ही सटीक सिम्टम्स माना जाता है कि गर्भ में पल रहा है शिशु जो है वह एक लड़का है। लड़का होने पे आपको ये सिम्टम जरूर ही दिखेंगे क्योंकि अधिकांशतः महिलाओं में ये सिम्टम जब दिखा है तो उन्हें बेबी बॉय ही हुआ है। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ बनने का सफ़र चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम इस चैनल पे बात करते हैं प्रेगनेंसी से जुड़ी हर एक सिम्टम्स के बारे में जो बेबी बॉय और बेबी गर्ल होने के सिम्टम्स को दर्शाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आप गर्भवती है तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी टिप्स मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका सातवां महीना चल रहा है अगर उस समय आपका बेबी का जो हलचल है किस तरीके से आपको महसूस हो रहा है यह एक बहुत बड़े मायने रखा जाता है कि लड़का होने का संकेत है या एक लड़की होने की संकेत है। अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा है, 7 मंथ में बेबी का हलचल आपको अच्छी तरीके से महसूस हो रहा है, बेबी ज़्यादातर लेफ्ट साइड में रह रहा है, लेफ्ट साइड में हलचल कर रहा है, तो यह एक बहुत ही बड़ी सिम्टम्स माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक यानी कि लड़का है। लड़का होने पे आपको बहुत ही तेज़ी से बेबी का हलचल महसूस होता है, खास करके लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है। अगला सिम्टम से है कि अगर आपको पेट पे जब आप सहलाते हैं उस समय बेबी का मूवमेंट काफ़ी तेज हो जाता है, खास करके नाभि के निचले हिस्से में बेबी का मूवमेंट होता है, तो भी एक लड़का होने का ही संकेत माना जाता है। अगला सिम्टम से है कि सातवें महीने में आपको नींद की समस्या थोड़ी कम हो जाती है, जैसे कि नींद आपको कम आती है, चाहे आप जितना भी कोशिश कर ले रात में सोने को फिर भी आपको बहुत ही कम नींद आती है, तो भी एक बेबी बॉय होने का ही संकेत माना जाता है। ये सिम्टम्स क्या आपके प्रेगनेंसी के दौरान दिख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला सिम्टम्स ये है कि जिन महिलाओं को यानी कि हिप जो हिप होता है वह हिप में कोई भी बदलाव नहीं आता है, नॉर्मल सी जैसे आप प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं सेम वैसा ही आपका हिप है, मतलब कि कमर है, कमर मोटा नहीं हुआ है, चौड़ा नहीं हुआ है, तो भी एक लड़का होने का ही बहुत ही सटीक निशानी मानी जाती है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।